ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास, आप अपनी इंग्लिश की कॉपीज निकाल लीजिए, जो फोर लाइन वाली जिसमें हम उस दिन कर रहे थे ना काम। टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज। अच्छा आज डेट क्या है, कौन बताएगा? 19 वेरी गुड 19। मंथ कौन सा है? गुड आशी, वेरी गुड। और आज वो डे कौन सा है? थर्सडे। वेरी गुड आशी, थर्सडे। थर्सडे की स्पेलिंग कौन बताएगा? बताओ। TSUR RSDAY। गुड राशि, ठीक है। तो सब अपनी कॉपी निकालेंगे, ऊपर कॉर्नर पे डेट लिखेंगे। डेट लिखो थोड़ा, इसको बताओ जी थोड़ा सा। सबने डेट लिख ली? यहाँ नहीं, यहाँ लिखो। यहाँ आर्यन, आयान, प्रिंसी। यस मैम। सब अपना काम कर रहे हैं ना? यस मैम। क्या हुआ आर्यन? मैम इंग्लिश। यस यस आयान, इंग्लिश कॉपी। डेट लिखिए, डेट। आर्यन आपने डेट लिखी बेटा? यस मैम। ओके तो अब हम एक पेज पे लिखेंगे बड़ा सा एल। मैम दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक बोर्ड। रुक जाइए, हाँ एल लिखेंगे हम। ओके एल बनाओ ना, तुम उधर पे तुम अपना लिखो ना, तुम मक्का दे रहे हो। किसका इतनी आवाज हो रही है? आर्यन आपके इतनी आवाज क्यों हो रही है बेटा? आर्यन बेटा आपके यहाँ बहुत शोर हो रहा है। अब ठीक है, आर्यन कैसा शोर हो रहा है? मेरी बड़ी मम्मी मेरे बड़े पापा आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक, अभी दवा लेने जा रहा हूँ। ओके सो सबने एल लिखा अपनी कॉपी में, शो करिए। मैम रुकिए, मैम देखिए ये तो। हाँ गुड, आर्यन ने सही लिखा है बीच में। प्रिंसी आप कॉपी थोड़ा और पास करिए बेटा, बीच में लिखना है, बीच में। देखिए आर्यन ने जैसे बीच में लिखा है ना, बीच में लिखना है। आर्यन दिखाइए एक बार अपनी कॉपी।
देखिए प्रिंसी आर्यन की कॉपी देखिए, पूरा एल नहीं लिखना है, सिर्फ एक एल बोला है मैंने, बाकी सब रब करिए, सिर्फ एक एल, एक एल सारा रब। मैंने बोर्ड पे कितना एक ही एल लिखा है ना, अपने आप से ज्यादा नहीं लिखना है बेटा, जितना मैं करा रही हूँ उतना। हाँ देखिए आप प्रिंसी का एकदम सही है, जैसे प्रिंसी ने लिखा है वैसे ही मुझे चाहिए। अरे आशी, हाँ आशी, ठीक है तो आप लोग को जैसे आशी ने लिखा है वैसे ही लिखना है। हाँ अयान का काम फिर से कौन कर रहा है, अयान को खुद से करने दीजिए। अयान आपकी माइक बंद है बेटा, आवाज नहीं आ रही। यहाँ नहीं, एल बनाना नहीं आता अयान आपको? आता ना। तो फिर आपकी दीदी क्यों बना रही थी? आप प्लीज अयान का मत बनाइए, इसको खुद बनाने दीजिए। ओके आर्यन आप दिखाइए आपने एक लिखा कि नहीं। अयान आप भी शो करिए कॉपी। यहाँ एल लिखो। हाँ गुड गुड, ठीक है ठीक, बीच में लिखना है। ओके अब मुझे कौन बताएगा एल फॉर क्या होता है, बिना किसी से पूछे अगर आपको आता है। लायन, लायन, और क्या होता है? लैंप। हाँ और क्या होता है? और क्या होता है? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, वेरी गुड। देखिए आर्यन ने खुद से बताया सोच के, इसी तरह सोच के बताना है। एल फॉर और क्या होगा, खुद से बताइए, बिना किसी से पूछा अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आए आपको। ओके तो आपने यहाँ एल लिखा, अब लिखिए नंबर, अब लिखिए नंबर वन। ऐसे जो कॉपी में लाइन बनी रहती है उसके इधर लिखना है, पता है ना? और छोटा बनाऊंगा वन लिखो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए लैम्प। लैम्प की स्पेलिंग मुझे कौन बताएगा? गुड, जैसे एम पी एल फॉर लॉलीपॉप। लॉलीपॉप की स्पेलिंग कौन बताएगा? यस आर्यन, एल ओ। हाँ एल ओ आई, एल ओ आई, लॉलीपॉप। अब नंबर थ्री, एल फॉर लीफ भी होता है ना, लीफ की स्पेलिंग किसको किसको आती है? मुझे बताइए। मैम जो आप लिख रही हैं हम भी लिखे। हाँ बेटा जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ लिखिए। आशी अपनी कॉपी शो करिए बेटा लिख के।
देखिए आशी की प्रिय ना ऐसे ही लिखना है, सब लोग देखिए आशी की कॉपी देखिए, ऐसे ही लिखना है जैसे आशी लिख रही है ऐसे ही लिखना है सबको। चलिए आयान आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। और पास करिए बेटा, कॉपी नहीं दिख रही है। ये तो पी दिख रहा है, पी दिख रहा है आयान आपका। अभी वाला वर्क दिखाइए आयान, अभी पी आर्यन आप ले लिख लिया, आप दिखाइए। हाँ थोड़ा पीछे करिए कॉपी, थोड़ा हाँ थोड़ा और पीछे करिए कॉपी, पीछे अरे पीछे बेटा, आगे नहीं पीछे। हाँ लॉलीपॉप आपने नहीं लिखा है आर्यन, लॉलीपॉप लिखिए। ठीक है अक्सा, मैम देखिए लॉलीपॉप मैंने नहीं लिखा। यस प्रिंसी, देखिए प्रिंसी ने कितने अच्छे से, प्रिंसी नंबर डालिए, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री। अरे आशी नंबर टू और नंबर थ्री लिखिए बेटा, यहाँ टू लिखो, यहाँ टू यहाँ थ्री। आशी की अगर आशी आप खुद से लिख रही हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है बेटा। अपने से लिखती है मैं। हाँ गुड, इसी तरह नीट वर्क करना है। देखिए आशी का वर्क बहुत नीट है। आयान तो कॉपी नहीं दिखा रहा है। हाँ लिख के जल्दी से दिखाइए आयान। आयान बस म्यूट और अनम्यूट यही कर रहा है। मैम हो गया। ओके आर्यन दिखाइए, हो गया। थोड़ा पीछे करिए बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड आशी, वेरी गुड आर्यन, आप दोनों फर्स्ट आ गए। और एल फॉर और क्या होता है, नींबू को हिंदी में, नींबू को और क्या, लेमन क्या होगा, लेमन की स्पेलिंग लिखो और लिखो। लेमन वेरी गुड, और क्या लिखो, एल ई एम ओ, ये देखो और पांच मिनट एम ओ एन। आयान अपनी कॉपी जल्दी दिखाइए काम करके, वो डली हुई है। अब रुक जाओ आप, ठीक है। हाँ ओके गुड आयान गुड। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने हाफ कॉपी में ये लिख लिया ठीक है, अब नीचे हाफ कॉपी कॉपी बची होगी ना, आधी कॉपी की जगह बची होगी, पेज खाली है ना, तो उसमें हम छोटा सा खुद से ही ड्राइंग करेंगे। मेरे साथ करना है आपको, खुद से दीदी से या आयान जैसे दीदी से कराता है वैसे नहीं करना है ठीक है। मैं जैसे कर रही हूँ बहुत इजी रहेगा, आप भी कर लेंगे ठीक है। मेरे साथ एक बार ट्राई करिए, अगर कोई नहीं कर पाएगा फिर हेल्प लेगा। ओके जैसे बनाएंगे चलिए, पहले हम लोग लीफ बनाएंगे ठीक है। तो कैसे, पहले ऐसे ऐसे हाफ सर्कल टाइप बनाइए, ऐसे और उसके बाद दूसरा हाफ सर्कल और फिर ट्रायंगल, फिर से हाफ सर्कल और इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें से एक लाइन खींचेंगे,
एक और लाइन खींचेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसके बीच में एक सीधी लाइन बनाएंगे और ऐसे बी बनाएंगे छोटा छोटा। ये क्या बन गई? पत्ती लीप। पत्ती लीप। ओके, लीप। लीप। बनाओ इजी है ना बनाना। देखिए आयान तो खुद को बना रहा है। अरे वाह आयान, आ रहे हैं आप। टीवी क्यों दिखा रहे हैं बेटा? टीवी और घड़ी दिखती है मुझे। आर्यन ये देखिए बेटा, आपकी टीवी और घड़ी दिख रही है मुझे, आप नहीं दिख रहे हो। बनाइए आयान। अरे आर्यन, पहले हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर दो हाफ सर्कल, फिर दो नीचे लाइन, फिर बीच में एक लाइन, और फिर ऐसे ऐसे वी बनाना है। आशी हो गया आपका? आशी Yes, ma'am. हो गया आपका? देखिए मैम, एक मिनट। हाँ गुड, ठीक है। देखिए जैसे आशी ने सामने बनाया है, आप सामने भी बना सकते हैं, नीचे जो कॉपी में जगह खाली है वहां भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन। ओके, वैसे आशी ने जैसे बनाया है उससे क्या होगा, वर्क हमारा नीट लगेगा, साफ लगेगा। ठीक है आशी, रखो नीचे। अब मुझे आयान और आर्यन भी दिखाएंगे जल्दी से। आयान मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, आपने कहा दिख ही नहीं रहा है? नहीं दिख रहा बेटा? अच्छा हाँ दिख गया। ओके ठीक है, वेरी गुड आयान, वेरी गुड। मैं नहीं पा रहा हूँ लीप। इधर देखिए, फिर से देखिए, पहले ऐसे हाफ सर्कल बनाइए। नहीं नहीं एक बार आर्यन को खुद से कोशिश करने दीजिए। उसके बाद एक और हाफ सर्कल बनाइए। उसके बाद यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाइए। अब जैसे आपने इधर दो हाफ सर्कल बनाए हैं, इधर भी दो हाफ सर्कल बनाइए बराबर। बनाओ वैसे। मैम बन गया। अब इधर वाला और इधर वाला ऐसे करके जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। अब आप इधर एक लाइन ड्रॉ करिए और उसके बगल में एक और लाइन, कि उसको ऐसे लंबा चौड़ा दिखे। मैम हो गया। अब बीच में एक लाइन। मैम हो गया। अब एक इधर लाइन और एक इधर स्लांटिंग लाइन, जैसे आप वी बनाते हैं, वी बनाना है लाइन के बीच में, मतलब वी का जो कोना है वो लाइन के बीच में आए। हो गया? नो मैम, यस मैम। फिर से आपने बना दिया आशी। गुड गुड, वेरी गुड।
बस एक ही बनाना था बेटा, वो मैं आर्यन को समझा रही थी ना, उसको नहीं समझ में आया था। कोई बात नहीं, आपने दो बना दिया, कोई बात नहीं, अच्छा है, वेरी गुड। आयान, आर्यन हो गया? यस मैम। दिखाइए फिर, आपके लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा बनाए बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, अब हम क्या बनाएंगे? लैम्प बनाएंगे, लैम्प। देखिएगा ये भी आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी होता है, बस जैसे जैसे मैं बताऊं बनाते जाइए, बहुत इजी होता है। पहले देखिए, पहले ऐसे एक स्लांटिंग लाइन खींचिए, टेढ़ी लाइन, उसके बाद ऐसे गोला बनाइए हाफ ऐसे, और फिर से एक और स्लांटिंग लाइन खींच दीजिए। मैम हो गया। हाँ ठीक है, सबका हो जाने दीजिए। उसके बाद इस गोले को ऐसे ओवल बना दीजिए, ऐसे करके। मैम हो गया। अब इधर आप ऐसे यू बनाइए, अब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अब इसमें ऐसे और ऐसे, मैम आ गया। अब नीचे गोला बनाइए, उस गोले में ऐसे दो लाइन और ऐसे। हो गया। अब यहाँ से ऐसे तार घुमा के उसका स्विच ऐसे कुछ भी बना दीजिए ऐसे, और यहाँ नीचे लैम्प एक प्लेट पे रखा रहता है ना, तो ऐसे। मैम हो गया। शो करिए जिसका जिसका हो गया। मैम देखिए, एक मिनट आशी, वेरी गुड आशी, वेरी गुड, ठीक है आशी, वेरी गुड। थोड़ा पीछे करो, पीछे करो, पीछे कॉपी नहीं दिख रहा आर्यन, कॉपी ना ऐसे पकड़ो, देखो ऐसे थोड़ा दूर पे ऐसे। अब शो करिए आर्यन, और ऊपर उठाइए कॉपी, बस बस थोड़ा पीछे जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है देख लिया, वेरी गुड। देखा खुद से बनाना कितना इजी होता है, अगर एक एक ऐसे बनाते हैं तो आप खुद से ही बना लेंगे। आयान आपने बनाया, और आगे लाइए कॉपी, नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ ठीक है, आयान ने तो इतना लाइट पेंसिल से बनाया है कि मैं चश्मा लगा के भी देखूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है आयान, गुड गुड गुड, दिख गया दिख गया। ओके, अब हम क्या बनाएंगे? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप तो बहुत इजी है ना? यस मैम। अब उसमें सिर्फ एक सर्कल बनाना होगा, उसके अंदर पहले बनाइए एक सर्किल बड़ा सा, गोला बनाओ, उसके नीचे लाइन,
और बड़ा बनाओ और यहाँ सर्किल के बीचों बीच एक डॉट करिए और बड़ा बनाओ ये लाइन जो है ये एक और दो बनेगी और उसके बीच में आप एस बनाएंगे ये देखिए बीच में आपने डॉट बनाया अब उस डॉट से ऐसे ऐसे घुमाते हुए ये कैसे घुमाना है राउंड डॉट बनाया बीच में ऐसे मतलब जब आप गोला बनाते हैं सर्कल बनाते हैं तो इसको जॉइन कर देते हैं पर इसमें क्या करना है जॉइन नहीं करना यहाँ तक लाया उसके बाद फिर दूसरी लाइन चालू कर ये बनाया इसके बीच में एस बनाया हो गया हमारा लॉलीपॉप ऊपर करो और ऊपर करो देख रही हूँ एक मिनट गुड आशी वेरी गुड बहुत अच्छा आशी ने तो बहुत सुंदर बनाया है हाँ एक मिनट आर्यन कॉपी बस वेरी गुड आर्यन वेरी गुड अयान वेरी गुड अयान वेरी गुड बहुत अच्छा बनाया है सारी ड्रॉइंग वेरी गुड आप तीनों एक दूसरे के लिए क्लैप करिए तीनों क्लैप करेंगे सब एक दूसरे के लिए हाँ अरे बजानी है बोलना नहीं है बेटा फिर यह क्यों लिख रही है जी लड़की ठीक है देखिए ड्राइंग आज सबने आप सबने खुद से बनाई अच्छा लगा ना बना के अब हम बनाएंगे लेमन आपको क्या बनाना है एक ओवल शेप बनाना है ओवल यहाँ पे ऐसे डॉट बनाना है बड़ा बनाना ओवल बनाना है ओवल और अच्छे से बनाओ मैम हो गया दिखाइए आयान अरे आर्यन थोड़ी सी कॉपी पीछे करिए थोड़ी सी गुड आयान वेरी गुड आर्यन आप दिखाइए लेमन दिखाओ अभी उसकी बिंदी बना रहा है लेमन का जैसे पपाया पतला सा पतला नहीं बनाना है तभी मैंने कहा ना ओवल बनाना है ओवल ऐसे अगर आप इसको पतला सा अगर आप इसको ऐसे बना देंगे इतना ऐसे पतला ये क्या लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना एक मिनट देखती हूँ आशी एक सेकेंड आशी हाँ देखिए आशी ने अच्छा बनाया है मैं आर्यन बोल रहा हूँ देखिए गुड आर्यन वेरी गुड आर्यन वेरी गुड आशी आयान ने भी बहुत अच्छा बनाया वेरी गुड ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा एल और एल फॉर क्या क्या होता है ठीक है ओके एल फॉर क्या क्या होता है मैंने क्या लिखवाया है नंबर वन आर्यन पढ़ेगा लायन एक मिनट हाँ एक मिनट रुक जाइए हाँ आशी क्या बोल रही थी आप लैम्प 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 की स्पेलिंग बताइए आशी
लिखा है ना बताओ। वेरी गुड आशी। अब आर्यन बताएगा। आर्यन नंबर टू पे मैंने क्या लिखवाया था? लीव। लीव की स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड। अयान माइक को ओपन करिए, माइक खोलिए। नंबर थ्री पे मैंने क्या लिखवाया था? लेमन की स्पेलिंग बताइए अयान। आर्यन आपसे नहीं पूछा मैंने, अयान से पूछा। आर्यन अयान लेमन की स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमने एल पढ़ा। एल फॉर लीफ, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लायन, और एल फॉर एक और क्या पढ़ा हमने? लॉलीपॉप। वेरी गुड अयान। लॉलीपॉप की स्पेलिंग मुझे कौन बताएगा? ऐसे हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है, हाथ रेस करना है। हाथ खड़ा करो। यस आशी, यस आशी। L O L I P O P। वेरी गुड। ये सारे आप भी बताइए। L O L I P O P। ओके, हाँ गुड। ठीक है, अब आपकी क्लास खत्म होती है। अब हम कल M पढ़ेंगे। L के बाद क्या आता है? M। कल हम M पढ़ेंगे कि M से क्या क्या होता है। हाँ कल पढ़ेंगे। आज की क्लास फिनिश। ओके बाय 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 बाय।